हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, आज डेट है 4th ऑफ मार्च 2020, और इस डिस्कशन में हम लोग डेली न्यूज़पेपर के करेंट अफेयर्स को एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। तो लेट स्टार्ट आवर डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू एजेंसी कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एजेंसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज सराउंडेड बाई बुल्गारिया एंड जॉर्जिया, एंड सेकेंड इज द ग्रीक आइलैंड ऑफ लेस्बोस इज लोकेटेड इन द सी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शंस आर ए वन ओनली, बी टू ओनली, बोथ एंड नन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक साइड में ग्रीक से घिरा हुआ है वेस्ट साइड में, और जो ईस्ट साइड है इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, ईस्ट साइड इसका टर्की से घिरा हुआ है। ठीक है, ये है पार्ट है मेडिटेरेनियन सी का, एक पार्ट है ये रहा एजियन सी, इसके ईस्ट पार्ट में टर्की है और वेस्ट पार्ट में ग्रीस है। ठीक है, जो ग्रीक पेनिसुला है या ग्रीक आइलैंड है उसका लेस्बोस जो द्वीप है, ये यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं एक बार, और ये रहा लेस्बोस। ठीक है, तो ये जो है ग्रीक का पार्ट है, तो ये भी कहाँ पर है? ये एजियन सी में है। ठीक है, जो ग्रीक का ये द्वीप है लेस्बोस, उसको मिलिटानी ग्रीक आइलैंड के नाम से जाना जाता है, और ये जो है लार्जेस्ट आइलैंड है आफ्टर यूबोइया इन एजियन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट हेल्प टू मेंटेन रीजनल कनेक्टिविटी अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में रीजनल कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय संपर्क को बनाए रखने में मदद करता है। सेकेंड है इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एड वेज एल पैसेंजर्स। तो ये जो है गुड्स और पैसेंजर दोनों को ट्रांसफर्स करता है, यानी मूवमेंट प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड इज इंडिया डज नॉट हैव एनी आईपीसी विद पाकिस्तान एंड चाइना। तो इंडिया का कोई आईपीसी नहीं है पाकिस्तान और चाइना के पास। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अटारी बॉर्डर के पास में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आईपीसी है। तो आपके कौन सा ऑप्शन सही है? योर ऑप्शन आर वन एंड थ्री ओनली, वन एंड टू ओनली, वन ओनली एंड वन टू एंड थ्री। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वन एंड टू ओनली। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं कि ये जो इंटीग्रेटेड पोस्ट चेक पोस्ट है ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, और ये जो है एक स्टेचुरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010 के दौरान। ठीक है, इसमें जो कमेटी ऑफ सेक्रेटेरिएट है 2003 में इसने रिकमेंड किया था कि भारत का इसके जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होना चाहिए, ताकि इंट्री अलग अलग जगह पर इंट्री पॉइंट हो और आसानी से जो है मूवमेंट गुड्स और सर्विसेज की जा सके। ठीक है, अब भारत में आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर आईसीपी की लोकेशन है, इस कौन सा स्टेट है, कौन किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, और करंट स्टेटस क्या है। तो भारत में अभी टोटल जो है वो 10 आईसीपी हैं, जैसे अटारी जो है वो अमृतसर में है, और ये पंजाब स्टेट में पड़ता है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ऑपरेशन में है। अगरतला जो है बांग्लादेश में और त्रिपुरा के साथ, इसके बाद में पेट्रापोल है वेस्ट बंगाल में है और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, रक्सौल और जोगबनी ये बिहार में है और नेपाल के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, ये सब ऑपरेशनल है। फिर है मोरे, ये मणिपुर में है, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर डाउकी, ये मेघालय में है और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में है रुपईडीहा और रुपडीह और सुनौली। ठीक है, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और 2018 में इसको अप्रूव किया गया था। इसके बाद है सुतारकांडी, ये असम में है और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द स्टार लेबलिंग प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टार लेबलिंग प्रोग्राम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाई द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का जो है उसके अंतर्गत इसको फॉर्मुलेट किया जाता है, और ये आता किसके अंदर है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी के अंतर्गत। ठीक है, यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड द कंज्यूमर एन इन्फॉर्म्ड चॉइस अबाउट द एनर्जी सेविंग एंड देयर बाई द कॉस्ट सेविंग पोटेंशियल ऑफ द रिलेवेंट मार्केट मार्केटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो है कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देता है, उसको कंज्यूमर को कॉस्ट सेविंग पोटेंशियल के बारे में बताता है कि कौन से मार्केट प्रोडक्ट और एनर्जी एफिशिएंसी पे उसको ज़्यादा बचत है, इस टाइप से। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू। ठीक है, इसका फोर्थ क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द
फ्लो डाइवर्टर स्टेंस टेक्नोलॉजी कंसिडर डी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फ्लो डाइवर्टर स्टेंस टेक्नोलॉजी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिसर्चर ऑफ श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव डेवलप्ड अ इनोवेटिव इंट्राकार्नियल फ्लो डाइवर्टर स्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन्यूरम्स ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो ये जो है SCTIMST के जो साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इसको इनोवेट किया है, मतलब इसको इसका रिसर्च किया है, खोज किया है, बनाया है इसको, ताकि जो ब्लड वेल सेल्स हैं ब्रेन के उसको अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, सेकेंड है फ्लो डाइवर्ट स्टेंट व्हेन डिप्लॉयड इन द आर्टरी इन द ब्रेन बियरिंग द एन्यूरम्स डाइवर्टेड फ्लो अवे फ्रॉम द एन्यूरम्स दस रिड्यूसिंग द चांसेस टू ऑफ इट्स रिप्चर फ्रॉम द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, ये जो है कई बार होता है कि ब्लड प्रेशर के कारण जो होते हैं व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, तो उसी के रिगार्डिंग इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, और इसको ब्रेन में लगाया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपका ऑप्शन है 1 only 2 only बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। तो ये फ्लो डाइवर्ट स्टेन है क्या, एक बार आप इसको देख लीजिए। तो ये रहा फ्लो डाइवर्ट स्टेन, इसमें कितना भी ब्लड का प्रेशर बढ़ जाए तो ये उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मोड़ लेता है, ताकि जो है जो फ्लो है ब्लड का वो टूट ना पाए। ठीक है, मतलब उसकी फ्लुएंसी जो है वो टूट ना पाए और जो है ब्लड हार्ट अटैक नहीं मतलब जो अटैक या ब्लड प्रेशर का दौरा पड़ता है वो ना हो पाए। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग इसको बनाया, किसने बनाया है? श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये जो है ब्रेन से रिलेटेड है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, दो चीज़ याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो केंद्रीय संरक्षण मोनूमेंट्स के बारे में, स्मारक संरक्षण के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर इज बैन ऑन कंस्ट्रक्शन विद इन द 1000 meter of a centrally protected monument and regulated construction within 1000 to 2000 meter under the ancient monument and archaeological site and remains act 1958। तो जो ancient monument and archaeological sites remains 1958 है, वो कहता है कि जितने भी मोनूमेंट्स है उसके 1000 meter के दायरे में कोई भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स नहीं, जहाँ पे भी है वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं किए जाएंगे। और सेकेंड है द एक्ट प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड साइट्स डेट आर ओवर द 100 years old। 100 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी मोनूमेंट्स हैं उसको इसके अंतर्गत प्रोटेक्ट किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शन आर 1 only 2 only both 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2 only। ठीक है, तो सिर्फ इसका दूसरा स्टेटमेंट जो वो सही है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन जो पर बैन करता है वो 100 meter के दायरे में अगर कोई भी मोनूमेंट्स के अंतर्गत अगर कोई मान लेते हैं कि मोनूमेंट्स है। ठीक है, जैसे ताजमहल है, ताजमहल एक एंशिएंट मोनूमेंट्स है, तो इसके आसपास अगर 100 meter के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो इसको जो है ये बैन करता है, एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट 1958। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इन फ्लाइट वाईफाई कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फ्लाइट वाईफाई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द गवर्नमेंट हैज परमिटेड एयरलाइन ऑपरेटिंग इन इंडिया टू प्रोवाइड इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस टू पैसेंजर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में परमिटेशन दिया है कि एयरलाइंस में जो है पैसेंजर्स को वाईफाई सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। एंड सेकेंड इज वंस फ्लाइट मोड इज एक्टिवेटेड द प्लेन एंटीना विल लिंक टू टेरेस्ट्रियल इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड बाई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जनरली हम लोग जब फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो फ्लाइट मोड ऑन कर लिया जाता है, तो उसमें कोई भी नेटवर्क या कॉल वगैरह नहीं आते हैं। तो जब ये फ्लाइट मोड ऑन होगा तो उसके बाद में टेरेस्ट्रियल एंटीना से इंटरनेट सर्विस कनेक्ट करेगा और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज 1 only 2 only both 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सी बोथ 1 and 2। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सेवेंथ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द N95 रेस्पिरेटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हाल फिलहाल में N95 रेस्पिरेटर जो है बहुत चर्चा में है, क्योंकि ये कोरोना वायरस से बचाव के लिए है, और अमेरिका में जब कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग जो है इसको खरीदने लगे, इससे क्या आया है कि प्राइस में उछाल आ गया है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये सवाल है आपसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस डिजाइन टू अचीव अ वेरी क्लोज फेशियल फिट एंड वेरी इफिशियंट फिल्ट्रेशन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल। तो इसको जो है बहुत मतलब इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि ये आपके फेस में अच्छे तरीके से क्लोज हो, फिट हो सके, और कोई भी एयरबोर्न पार्टिकल जो होता है वो इससे होकर पास नहीं कर सकता है। N95 रेस्पिरेटर जो है वो डिजाइन किया गया है चिल्ड्रेन के लिए भी और पीपल विथ फेशियल हेयर यानी जिसके चेहरे पर बाल होता है उनके लिए भी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपके ऑप्शन है 1 only 2 only both and none। राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर 1 only, क्योंकि इसको
चिल्ड्रेन और फेशियल हेयर वाले लोगों के लिए नहीं डिजाइन किया गया है, क्योंकि इस तरीके के सिर्फ एक बच्च मतलब कि कोई ऐसा बच्चा मिलना मुश्किल है जो हर बच्चे के समान हो, और फेशियल हेयर के भी अलग अलग लुक होते हैं, स्टाइल होते हैं, तो इस तरीके से इसको डिजाइन करना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए सिर्फ जो है ये बिना फेशियल हेयर वाले लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक बार इमेज देख लीजिए कि ये किस तरीके का है। तो ये रहा आपका N95 रेस्पिरेटर, तो इसको आप मार्केट से ले सकते हैं, इसका जो प्राइस है वो 449 के आसपास है। ये कोरोना वायरस से बचाव करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये आपको गारंटी नहीं देता कि अच्छी तरीके से बचाव करेगा ये। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। F8 डेवलपर कॉन्फ्रेंस रिसेंटली सीन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ, तो F8 डेवलपर्स जो है वो किसका कॉन्फ्रेंस था जो हाल फिलहाल में चर्चा में था? आपके ऑप्शन है A Facebook, B Google, C Microsoft एंड D Twitter। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A Facebook। अभी हाल फिलहाल में कोरोना वायरस को लेकर के जो अफवाह क्या ये जो डेंजर या खतरा फैला हुआ है, तो इसी के रिगार्डिंग जो है फेसबुक का हर साल मीटिंग होता है। ये इस साल अमेरिका में होने वाला था, जिसमें दुनिया भर के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं फेसबुक से रिलेटेड, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोरोना वायरस फैलने के खतरे के कारण इसको टाल दिया गया है, इसीलिए ये चर्चा में था। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हाल फिलहाल में लोकसभा में वाटर मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, सॉरी राज्यसभा में, उन्होंने भारत में जो वाटर स्ट्रेस है उसके बारे रिगार्डिंग जानकारी दी थी, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इन ईयर्स 2001 एंड 2011 वाज असेस्ड एज 1816 क्यूबिक मीटर एंड 1545 क्यूबिक मीटर रिस्पेक्टिवली। तो जो एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है भारत में, वो 2001 में 1816 क्यूबिक मीटर थी, और 2011 में ये घट करके 1545 क्यूबिक मीटर हो गया, और इसी से आगे आप ये देख लीजिए कि 2001 में ये और घट करके 1486 क्यूबिक मीटर होने वाला है। ठीक है, एंड सेकेंड है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर 235 लीटर पर कैपिटा पर डे हैज़ बीन सजेस्टेड एज द बेंच मार्क ऑफ द अर्बन वाटर सप्लाई। और अर्बन एरिया में जो है एक व्यक्ति के लिए पर मतलब कि पर कैपिटा जो है पर डे कितना वाटर का बेंचमार्क फिक्स किया गया वाटर मिनिस्ट्री द्वारा, तो वो है 235 लीटर। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शंस आर 1 only 2 only, बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A 1 only। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वाटर के ऊपर कितना स्ट्रेस है, सो सेव द वाटर एंड टैप क्लोज टू टैप योर नल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 235 नहीं है बल्कि 135 लीटर है जो बेंचमार्क सेट किया गया है, एंड 55 लीटर है ये है रूरल एरिया में। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उसने पर कैपिटा वाटर जो है फिक्स किया है 135 लीटर बेंचमार्क है ये अर्बन वाटर सप्लाई में, और 55 लीटर है ये जल जीवन शक्ति मिशन के अंतर्गत स्टेट एरिया में। जल जीवन शक्ति मिशन के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि हर एक गाँव में क्या है कि वाटर मतलब कि पाइप के थ्रू जो है वाटर सप्लाई किया जा रहा है, तो इसी में 55 लीटर जो है वो बेंचमार्क है रूरल एरिया में। तो इसको याद रखिएगा, अर्बन एरिया में 135 लीटर एंड रूरल एरिया में 55 लीटर। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द स्कीम लॉन्च बाई द जोनल कल्चरल सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के बारे में आपको बताना है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज शिल्प ग्राम, मतलब जो शिल्प ग्राम एक प्रोग्राम है जो ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करता है या संरक्षण देता है, तो उसी के रिगार्डिंग है कि ये प्रमोट करता है फोक एंड ट्राइबल आर्ट को, क्राफ्ट डिजाइन को ऑर्गेनाइजर सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, सेमिनार वर्कशॉप एग्जीबिशन क्राफ्ट डिजाइन, ठीक है, इन सब चीज़ों को ये ऑर्गेनाइज करता है रूरल एरियाज में। सेकेंड है ऑक्टिव, ये भी एक मतलब कि प्रिजर्वेशन की टेक्निक है जो ट्राइबल कल्चर है उसको, तो ये प्रोमोट और प्रोपागेट करता है रिच कल्चरल हेरिटेज को हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड, ठीक है, रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपके ऑप्शन है A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 एंड D neither 1 nor 2। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर A 1 only। ठीक है, तो शिल्प ग्राम एक मतलब कि एग्जीबिशन टाइप यानी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, जिसमें फोक और ट्राइबल आर्ट को प्रमोट किया जाता है, क्राफ्ट को प्रमोट किया जाता है, इसमें सेमिनार वर्कशॉप एग्जीबिशन क्राफ्ट फेयर इन सब चीज़ों को लगाया जाता है ताकि ट्राइबल कल्चर को प्रमोट किया जा सके और इन्हांस किया जा सके, उसको प्रिजर्व किया जा सके। लेकिन जो ऑक्टेव प्रोग्राम है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है 7 cities एंड सिक्किम, इसके रिगार्डिंग इसको लाया गया है ताकि भारत की जो अलग कल्चर है उसको विविधता को ये संभाल सके। ठीक है,
तो इसी के रिगार्डिंग है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है वो लोकसभा में इन्फॉर्म किए हैं कि कौन कौन से स्कीम चलाए जा रहे हैं जो प्रिजर्व एंड प्रमोट करता है लैंग्वेज, फोल्क डांस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, उसमें से कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुरु शिष्य परंपरा है, दूसरा है शिल्पग्राम, तीसरा है ऑक्टेव, इसमें प्रोपागेट किया जाता है रिच कल्चरल हेरिटेज को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। ठीक है, इसमें 8 स्टेट आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया से इसको अलग किया जाता है, मतलब इस सेंस में, ताकि इनके कल्चर को कोई नुकसान ना हो सके, इनके कल्चर को कोई क्षति ना हो सके। ठीक है, नेशनल कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, इसके अंतर्गत क्या होता है, वेरियस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट किया जाता है, एग्जीबिशन लगाया जाता है, ताकि एक स्टेट दूसरे स्टेट के कल्चर को समझ सके। आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली इलेवेटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, बिकमिंग द थर्ड वीमेन ऑफिसर इन द आर्मी एंड फर्स्ट पेडेस्ट्रियन फोर्स फ्रॉम द आर्म फोर्स टू द होल्ड दिस रैंक। मतलब हाल फिलहाल में किस महिला अधिकारी को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है जो पहली हैं ये अपने इस रैंक पर। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए माधुरी कनिटकार, बी मिताली मधुमिता, सी प्रिया जिंगौन एंड डी दिव्या अजीत कुमार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए माधुरी कनिकटार। ठीक है, तो जो माधुरी कनिकटार हैं उनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है, ये थर्ड वीमेन ऑफिसर हैं और फर्स्ट पेडेस्ट्रियन हैं इस रैंक को होल्ड करने वाले। इसके बाद में 12th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दी एन इनिशिएटिव बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस टू एक्सपेडिट रिजोल्यूशन ऑफ इशू एंड रिमूवल रेगुलेटरी बोटलनेस इन प्रोजेक्ट विथ इन्वेस्टमेंट अपवर्ड 500 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो 500 करोड़ रुपीज़ से ऊपर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके बोटलनेस यानी रुकावटें को ख़त्म करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की एक इनिशिएटिव है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इनलिस्ट अनरिजॉल्व प्रोजेक्ट इशू ऑफ ऑल पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPC प्रोजेक्ट अंडरटेक फास्ट ट्रैकिंग अप्रूवल सेक्टोरल पॉलिसी इशूज एंड रिमूवल ऑफ बोटलनेस फॉर एक्सपीडिशियस कमिश्निंग। ठीक है, मतलब ये जो है रिजॉल्व करता है प्रॉब्लम को, कोई भी इशू अगर आती है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में या PPP में, तो इसके बोटलनेस को ये खत्म करता है, उसको नियंत्रित करता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है। योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टू ओनली, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का नहीं है बल्कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का है। ठीक है, तो इसलिए ये आप याद रखिएगा, बाकी सारे जो हैं वो सही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, ठीक है, ना कि फिनांस का। जो 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेल्डर एक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज। ए न्यू एक्सप्लोसिव डिटेंशन डिवाइस, बी स्नो एंड आइस फीचर फॉर्म बाय इरोजन एंड कैरेक्टराइज बाय प्लाउल शेप्ड डिप्रेशन, सी स्पेसक्राफ्ट विच विल ट्रेवल टू ए नियर अर्थ एस्टेरॉयड कॉल्ड बेनू एंड डी नन ऑफ द अबव। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये जो है एक एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस है। ठीक है, जो DRDO द्वारा डेवलप किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है एक एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस है। इसके बाद है, ये जो डेवलप किया गया है ये हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी जो पुणे में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु एंड DRDO द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो 14th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द एक काम फेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये काम फेस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल हैंडीकैप्ड फिनांस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड सेकंड इज, इकाम फेस्ट एम टू प्रोमोट क्राफ्टमैनशिप प्रोडक्ट ऑफ दिव्यांग पर्सन विद डिजेबिलिटी आर्टिजांस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जाहिर सी बात है कि ये प्रोग्राम जो है, अगर इकाम फेस्ट जो है वो अगर दिव्यांग लोगों के लिए है, तो इनके क्राफ्ट को प्रोमोट करेगा, क्राफ्टमैनशिप को एंड प्रोडक्ट को। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। योर ऑप्शन आर ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू। ये जो इकाम फेस्ट है, इकाम फेस्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा इनॉग्रेट किया गया था हाल फिलहाल में न्यू दिल्ली में, और इसको जो मतलब कि ऑर्गेनाइज किया जाता है वो नेशनल हैंडीकैप्ड फिनांस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये जो है एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। ठीक है, 15th क्वेश्चन है,
With reference to the laboratory for conservation of endangered species, consider the following statement. तो एक लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया गया है इंडेंजर्ड स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए, उसी के रिगार्डिंग है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज़ अ डेडिकेटेड लेबोरेटरी ऑफ CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इन हैदराबाद. एंड सेकेंड इज, इट इज़ इंडिया ओनली डेडिकेटेड लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज. तो ये जो है अपने तरह का समर्पित एक इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए एकमात्र लेबोरेटरी है. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपके ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू. ठीक है, 16 क्वेश्चन है. विथ रेफरेंस टू द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? अभी हाल फिलहाल में जो राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर हमारे, उन्होंने कलकत्ता में एक रीजनल NSG के ऑफिस को इस्टेब्लिश किया है, तो उसी के रिगार्डिंग है. तो द कलकत्ता रीजनल हब कैंपस ऑफ NSG इज फोर्थ टू परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर मुंबई, चेन्नई एंड हैदराबाद. तो ये फोर्थ रीजनल सेंटर है NSG का. इससे पहले तीन कौन से हैं? मुंबई, चेन्नई एंड हैदराबाद. एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज, इट वॉज रेज इन 1993 फॉलोड द एसिसिनेशन ऑफ राजीव गांधी. तो ये राजीव गांधी का जब एसिसिनेशन हुआ था 1991 में, तो उसके बाद 1993 में इसको गठित किया गया था. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपके ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड नीदर वन नॉट टू. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली, क्योंकि इसको 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उसके बाद इस NSG को डेवलप किया गया था. ठीक है, आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल. इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत इंडियन आर्मी आती है, मतलब कि भारतीय सेना आती है, और CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो 6-5 ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, जिसमें ITBP आता है, BSF आता है, SSB आता है, CISF आते हैं, इसके बाद में BSF आते हैं, तो इन सबसे इसमें पर्सनल लिए जाते हैं. ठीक है, जो 17 क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग में बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एंड पीरियड पॉवर्टी बाई मेकिंग सैनिटरी प्रोडक्ट फ्री फॉर ऑल. तो किस कौन सा देश जो है वो दुनिया का पहला कंट्री बनेगा जो पीरियड्स होते हैं महिलाओं में उसको ये ख़त्म करेगा और फ्री करेगा सैनिटरी प्रोडक्ट को महिलाओं के लिए. तो कौन सा ऑप्शन आपके सही है? आपके ऑप्शन है ए स्कॉटलैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, एंड डी स्पेन. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटलैंड. ठीक है, 18 क्वेश्चन है. विथ रेफरेंस टू माइग्रेटरी बर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो CMS कॉप कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, इस पर जो है कॉप 14 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया था. तो ये अभी थोड़ा पुराना न्यूज हो गया, लेकिन इसी के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग है ये. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ लिस्ट पुट आउट कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, द बर्ड फैमिली माउसीपैड हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज. तो ये जो बर्ड फैमिली है Mousiecapid, ये जो है हाइएस्ट माइग्रेटरी स्पीसीज है इंडिया में. और सेकेंड है, इंडिया हैज़ 3 फ्लाईवे, भारत में 3 फ्लाईवे हैं जहाँ से बाहर से माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं. पहला है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, सेकेंड इज ईस्ट एशियन फ्लाईवे, एंड थर्ड इज ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. योर ऑप्शन आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड नीदर वन नॉट टू. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू. अभी एक बार हम लोग CMS के बारे में ये पूरा डिटेल में देख लेते हैं. जो नया अभी एडिशन हुआ था वाइल्ड लाइफ लिस्ट का, तो इसमें कहा गया है कि जो टोटल माइग्रेटरी फाउना जो इंडिया में आते हैं वो 457 स्पीसीज है, जिसमें बर्ड 83% है, और इनकी 380 स्पीसीज जो है वो भारत में बाहर से आती हैं. इस बार नया वाला जो एडिशन किया गया है उसमें एशियन एलिफेंट को डाला गया है CMS के लिस्ट 2 में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को डाला गया है, बंगाल फ्लोरिकॉन, ओशनिक वाइट टिप शार्क ये मछली है, यूराइल एंड स्मूथ हैमर्ड शार्क, इन सबको डाला गया है जो फीस है माइग्रेटरी फीस है उस लिस्ट में. ठीक है, ग्लोबली जो है 650 से ज़्यादा लिस्ट है CMS अपेंडिक्स में, और इंडिया के इसमें 450 हैं. तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है इसका. जो माइग्रेटरी बर्ड है इसमें सबसे ज़्यादा Mousiecapid फैमिली के जो माइग्रेटरी स्पीसीज और बर्ड हैं वो आते हैं. इसके बाद जो प्रे यानी जो शिकार करते हैं रैप्टर्स वो बर्ड आते हैं, जैसे ईगल, आउल, वल्टर एंड काइट्स. ठीक है, ये जो है एक्यूप्रेटेड फैमिली से आते हैं. इसके अलावा जो अभी हाल फिलहाल में भारत में कहीं से भी माइग्रेटरी बर्ड के आने के 3 फ्लाईवे हैं. कौन कौन है? द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो यूरेशिया वाला रीजन है वहाँ से आते हैं, द ईस्ट एशियन फ्लाईवे ईस्ट एशियन से आते हैं यानी कंबोडिया वम्बोडिया से, एंड ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे ईस्ट एशियन यानी ऑस्ट्रेलिया से जो आते हैं. अनदर ग्रुप जो बर्ड का है वो माइग्रेट करता है लार्ज नंबर में, वो है वाटर और शोर बर्ड्स जो तट पे आते हैं वो. और इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो होते हैं डक होते हैं और बिलोंगिंग करते हैं ये डक एनाटाइड फैमिली से. ठीक है, इसके बाद है माइग्रेटरी मैमल्स में कौन कौन से हैं.
तो टोटल जो है 44 माइग्रेटरी मैमल को पहले कॉप 13 में रखा गया था, लेकिन कॉप 13 के बाद में ये बढ़ करके कॉप 46 हो गए। एशियन एलिफेंट जो है इसको अपेंडिक्स 1 में और यूरियल को अपेंडिक्स 2 में रखा गया है इस बार लेटेस्ट वाले में। जो लेटेस्ट ग्रुप ऑफ मैमल्स हैं इसमें बैट बिलोंगिंग टू द फैमिली वेस्पेरटोनाइड्स इसके इसको भी डाला गया है। डॉल्फिन जो है वो सेकेंड हाइएस्ट ग्रुप है जो माइग्रेटरी स्पीसीज है, माइग्रेटरी मैमल है। जो बैट है वो फर्स्ट है यानी लार्जेस्ट ग्रुप है, एंड डॉल्फिन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है। जो माइग्रेटरी फिश है, याद रखिएगा डॉल्फिन जो है वो फिश में नहीं आता, ये मैमल्स में आता है। जो माइग्रेटरी फिश है इसमें टोटल जो है 24 फिशेस आते हैं, जिसमें ओसैनिक, वाइट टिप शार्क, स्मूथ हैमर्ड शार्क इसको नया ऐड किया गया है माइग्रेटरी स्पीसीज में। इसके अलावा जो माइग्रेटरी रेप्टाइल्स हैं इसमें 7 रेप्टाइल्स हैं, जिसमें 5 स्पीसीज टर्टल के हैं, इंडियन घड़ियाल है और शार्ट वाटर क्रोकोडाइल है। तो इसको CMS की स्पीसीज में डाला गया है, फाउंड ये जो है इंडिया में पाए जाते हैं। इस साल कोई किसी भी रेप्टाइल को CMS के लिस्ट में नहीं डाला गया, यानी कॉप 14 में किसी भी रेप्टाइल को लिस्ट में नहीं डाला गया CMS के। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप अस लविंग, कीप अस मोटिवेट। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर डिस्कशन। बाय, हैव अ